नहीं भाई साहब, उसको ना सबक मिल जाएगा। वो सोचता है ना कि मैं दो पैसे का नहीं हूं, इसीलिए मेरे ऊपर थूकता है। अम्मा जी, अगर इस संडे मौसम ठीक रहा ना तो जाएंगे हम चायल घूमने, और ना जी गाड़ी में तो सारे शीशे खुले रखेंगे, ठंडी ठंडी हवा के मजे भी लेंगे और फिर लंच भी करेंगे। मुई मैं अपने मैनेजमेंट के उन ठसू बंदों को ये दिखा देना चाहता हूँ कि हर्षित वर्मा भी एक बड़ा आदमी बन सकता है। कृष्णु, जब मैं गांव गया था ना, तब मैं 17 साल का था और 35 साल तक मैं करोड़पति बन गया था, करोड़पति। मैं सारा दिन भर उसका इंतजार करता रहा, उसके ऑफिस में बैठा रहा, बार बार नाम भेजता रहा, पर क्या मजाल के वो मुझे बुला ले। ठीक 5 बजे वो बाहर आया है और चला गया, मुझे पहचाना भी नहीं। मैं बेवकूफों की तरह खड़ा रहा। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं मैंने क्या कहा? जो आप परफॉर्म करते हैं, जो अंदर एक सेटिस्फेक्शन, पता नहीं लोगों की तालियां हैं वो या स्टेज का वैक्यूम है वो या क्या है जो हमें इसे बांधे रखता है। इसके अलावा हम मीडिया का छोटा मोटा काम कर लेते हैं, उसे जो पैसा बनता है उसे अपनी परफॉर्मेंस में लगाते हैं, थिएटर की परफॉर्मेंस में। और एक आर्टिस्ट के मन की व्यथा आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट को ऐसा कंसिडर किया जाता है कि क्या कह रहे हैं, दे डोंट मेक एनी मनी और एनीथिंग, जस्ट वेस्ट देयर टाइम। लकीली मुझे फैमिली से कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, मेरा प्रोफेशन कुछ और है, ये मेरा पैशन है। बट हाँ, मेरे फेलो आर्टिस्ट कई ऐसे हैं जिनको घर से ऐसा बोला जाता है कि क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, स्कूल तक ठीक था, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पैसे कमाओ, ये करो वो करो। एज एन थिएटर आर्टिस्ट मुझे थिएटर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मैं गांव की रहने वाली लड़की हूँ, तो घर से भी कुछ लोग मतलब मना करते हैं इस प्ले के लिए, थिएटर करने के लिए। मतलब जैसे मैं इस लाइन में आ गई हूँ, मैं थिएटर करती हूँ, तो मम्मी पापा सब मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो आई लव थिएटर, मुझे थिएटर करना बहुत पसंद है। इससे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक अंदर सेटिस्फेक्शन होती है जिसके कारण ये फील्ड हमको बांधे रखती है। मज़ा आता है, शायद ऐसा दूसरा काम करते हमें कभी मज़ा नहीं आता। मैंने इससे पहले थिएटर के बीच में कई काम किए हैं, लेकिन हर बार वो छोड़कर मैं थिएटर ही करता हूँ। थिएटर सिर्फ एक मजाक या फिर एक टाइम पास बनके ना रहे, प्रोफेशन, अगर प्रोफेशनल थिएटर हम कर रहे हैं तो वो प्रोफेशन की तरह दिखे और एक्टर्स जो हैं उनको वो इज्जत मिले जो वो डिजर्व करते हैं, बिकॉज वी वर्क रियली हार्ड। आजकल कहा जा रहा है कि थिएटर एक डाइंग आर्ट, प्लीज हेल्प कीजिए इसे फिर से अलाइव करना। थैंक यू। साहब कहते हैं कि सन के लोग थिएटर करते रहेंगे, तो हम अगर कर रहे हैं तो हमें सन के कहें तो अच्छी खुशी होती है, अजीब भी लगता है कि किस तरह की सनक है ये, मज़ा है।